Hello everyone myself ms ranali dongri professor in civil engineering department nit polytechnic college nagpur welcome you all in online teaching learning classes today's we are going to start topic number 1.3 importance of soil in civil engineering now the vision of the program is to impart excellent civil engineering skill to develop employable civil diploma engineer mission of the department m1 is imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability m2 to develop social and environmental responsible civil engineers M3 Effective implementation of teaching learning process to benefit student. Now, the learning outcome that is course outcome first identify types of rock and subsoil strata of the earth. Program outcome that is PO1, PO2, PO4, PO5, PO6, and PO7. Now the unit outcome after completion of this video lecture, student will able to suggest the type of soil for a given situation. Importance of soil in civil engineering. Now we will discuss about importance of soil in civil engineering. First, as a construction material. सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सॉइल का इम्पोर्टेंस क्या है सिविल इंजीनियरिंग में तो वो है फर्स्ट एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल सॉइल का यूज़ किया जाता है एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए ठीक है अब हम देखेंगे कि वो कैसे किया जाता है एज सॉयल इज़ लोकली अवेलेबल मटेरियल सॉइल को क्या बोला है कि सॉइल जो है ये एक लोकली अवेलेबल मटेरियल है मतलब एकदम चीप चीप अमाउंट में हमें मतलब मिल जाता है क्योंकि सॉइल कहीं पर भी आप लोगों को मिल जाएगा तो इसलिए बोला है कि सॉइल तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है बट ये जो है लोकली अवेलेबल मटेरियल है कहीं पर भी अवेलेबल रहता है यूज़ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस और जिसका यूज़ किया जाता है ऑब्वियसली सॉइल का यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस अगर जैसे कि फ़ाउंडेशन हम बना रहे हैं तो सॉइल का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूरे स्ट्रक्चर का लोड आप सभी को पता है जैसे कि हमने बी में पढ़ा था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हमने पढ़ा कि जो भी स्ट्रक्चर है उसका लोड कौन कैरी करेगा सबसे पहले फाउंडेशन पे उसका लोड जाएगा और देन फाउंडेशन ट्रांसमिटेड दिस टाइप ऑफ लोड इनटू द सॉइल फिर क्या करेगा कि फ़ाउंडेशन वो जो पूरा लोड है वो ट्रांसफ़र कहा करता है सॉइल पे तो सॉइल जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है लोकली अवेलेबल है फॉर अ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस के लिए रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए भी इम्बैगमेंट और कटिंग यह आप लोगों ने सर्वे में तो पढ़ा ही होगा इम्बैगमेंट ठीक है इम्बैगमेंट <laughs> भी पढ़ा होगा डैम एम्बैगमेंट के लिए डैम के लिए इन अ रिटेनिंग वॉल एज अ फीलिंग मटेरियल ये सभी चीजों में यूज होता है ये सभी कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज होता है फॉलो फीलिंग मटेरियल के लिए ठीक है एज अ फीलिंग मटेरियल के लिए यू हैव टू सी द इमेज ऑफ द सॉइल एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज इज इन दैट इमेज ना अब हम देखेंगे कि सॉइल और कौन से कौन से चीज़ों में यूज़ होता है पहले तो क्या है एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेकेंड है एज अ फाउंडेशन मटेरियल फाउंडेशन मटेरियल के रूप में भी यूज़ होगा मोस्ट ऑफ सिविल स्ट्रक्चर्स रेस्ट ऑन सॉइल जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया मोस्ट ऑफ़ द सिविल स्ट्रक्चर मतलब सभी बोलेंगे तो भी ठीक है सभी स्ट्रक्चर जितने भी सिविल स्ट्रक्चर है वो कहाँ रेस्ट करते हैं कहाँ सॉइल पे रेस्ट करते हैं सर्फेस सॉइल सर्फेस सो लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन द लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल और किसी भी स्ट्रक्चर की लाइफ किस पे डिपेंड करती है लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल मतलब अगर सॉइल की कैपेसिटी ही नहीं है कि वो लोड बियर कर सके तो जो भी स्ट्रक्चर है सिविल का वो क्या हो जाएगा कोलेब्स हो जाएगा ठीक तो so है तो मोस्ट ऑफ द सिविल स्ट्रक्चर रेस्ट ऑन अ सॉइल सरफेस सो लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन द लोड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल देखो जितने भी सिविल के स्ट्रक्चर है रिटेनिंग वॉल है डैम है रेजिडेंशियल बिल्डिंग है पब्लिक बिल्डिंग है लाइक लोड बियरिंग स्ट्रक्चर एंड फ्रेम स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन अ सॉइल अगर सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी नहीं है तो पूरा स्ट्रक्चर जितने भी स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा कोलैप्स हो जाएगा ठीक है बाय नोइंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल अगर हमें पता है सॉइल की प्रॉपर्टी देर इज द चांसेस ऑफ रोडक्शन इन सेटलमेंट एंड मेकिंग द स्ट्रक्चर स्टेबल ठीक है अगर हमें सॉइल की प्रॉपर्टी पता है ठीक है कि वहाँ पर्टिकुलर एरिया में किस टाइप की सॉइल है उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी क्या है ये सब अगर हमें पता है तो हम सेटलमेंट होने से रोक सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर का और किसी भी स्ट्रक्चर को हम स्टेबल बना सकते हैं और उसके बाद जो कि सॉइल पे ही डिपेंड करता है डेफिनेशन ऑफ सॉइल अब हम लोग देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ सॉइल क्या है बट टेक्निकल लैंग्वेज में ठीक है For soil सभी को पता है फॉर अ सिविल इंजीनियर इट इज़ डिफाइन एज अनकन सॉलिडेट मटेरियल फॉर सिविल इंजीनियर के लिए इसको डिफ़ाइन किया गया है अनकनसॉलिडेटेड मटेरियल कंपोस्ट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इसमें सॉलिड पार्टिकल्स रहेंगे प्रोड्यूस बाई डिसंटीग्रेशन ऑफ दी रॉक ठीक है जब डिसंटीग्रेशन होता है रॉक का उसमें फिर क्या होगा दोनों में घर्षण यूनो राच्चर के बाद छोटे छोटे पार्टिकल्स जो निकलेंगे वो सॉइल फॉर्मेशन में फॉर्म हो जाते हैं ठीक है सॉइल मैकेनिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मैकेनिक्स देखो अब सॉइल मैकेनिक्स क्या है इज एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स व इंजीनियर प्रॉब्लम डीलिंग विद द सेडिमेंट्स एंड अदर अनकंसोलिडेटेड अकोमलेन ऑफ सॉलिड पार्टिकल प्रोड्यूस बाय मैकेनिकल एंड केमिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक ठीक है अब जैसे कि हमने रॉक्स के बारे में पढ़ा था सलीमेंट्री रॉक हो गया एग्निशियस रॉक हो गया इन सब का जितना भी जितने भी रॉक्स होते हैं जब इनका डिसिनटिग्रेशन होता है जब फॉर्मेशन हो जाता है सॉइल का तो वो केमिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के वजह से होता है एक्शन के वजह से होता है रिगार्डलेस ऑफ द वेदर वेदर के वजह से और नॉट दे कंटेन एज एडमिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूंस ठीक है उसमें किसी भी टाइप का एडमिक एडमिशन नहीं होता है वो मैके और केमिकली प्रोसेस कुछ होता है कि अगर सपोज़ वेदरिक्शन की वजह से वो रॉक्स uh, जो है वो टूट फूट के गिर गए नीचे ठीक है उसके बाद उनमें रपच्चर हुआ रपच्चर के बाद एक सेडिमेंटेशन हुआ तो सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है ना सॉइल फॉर्मेशन ऑफ देखेंगे हम सॉइल्स आर फॉर्म बाय द वैदरिंग ऑफ रॉक जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया सॉइल कैसे फॉर्म होती है तो वेदरिंग ऑफ रॉक की वजह से रॉक की वजह से होती है ड्यू टू मैकेनिकल डिसंटीग्रेशन और कैमिकल डिकम्पोजिशन रॉक की वजह से तो होगी बट क्या होगा उसमें मैकेनिकल डिसंटीग्रेशन और कैमिकल डिकम्पोजिशन होगा ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैकेनिकल डिस एंड केमिकल डिकम्पोजिशन बेस्ड ऑन द मैथड ऑफ फॉर्मेशन सॉइल टू मे कैटेगराइज रेसिडियल सॉइल द साइल स्टेज एट द प्लेस ऑफ इट्स फॉर्मेशन जस्ट अबाउट पेरेंट रॉक इज़ नोन एज अ रेसिडियल सॉइल रेसिडियल सॉइल किसको बोलते हैं जब <coughs> जब पेरेंट रॉक का फॉर्मेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशन में तब उसको रेसिडियल सॉइल बोला जाता है इन दिस केस रेट ऑफ रॉक डिकम्पोजिशन इज़ अ ग्रेटर दैन रेट ऑफ इरोशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इसमें क्या होता है डिकम्पोजिशन बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इरोशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेदरिंग मटेरियल एंड रिजल्ट इन अकमलेशन ऑफ रेसिडियल सॉइल और उससे क्या बन जाएगा रेसिडियल सॉइल बन जाएगा ट्रांसपोर्टेड साइल अब हम लोग देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेड साइल क्या है अब इतना सिंपल एक सिंपल टेक्निक है कि रॉक्स है वेदरिंग एक्शन के वजह से रॉक्स इमेजिन करो आप लोग कि वेदरिंग एक्शन के वजह से वो जो रॉक्स है रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ फॉर्मेशन होने के बाद रॉक्स ट्रांसपोर्ट हुए वन प्लेस टू अनादर प्लेस ट्रांसपोर्ट होने की वजह से जो भी फॉर्मेशन हुआ ठीक है और जितना भी सडिमेंटेशन हुआ दैन उसे बोलेंगे ट्रांसपोर्टेड सॉयल वेन द सॉइल हैज़ बीन डिपॉजिटेड एट द प्लेस अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिनल ओरिजिन मतलब जो उसकी ओरिजिन मतलब जो उसका ओरिजिनल था प्लेस वो प्लेस से अनादर प्लेस में जाके फॉर्मेशन हुआ सॉइल का तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉयल वेदर मटेरियल हैव बीन मूव फ्रॉम देयर ओरिजिनल लोकेशन देखो सिंपल है यहाँ पर दो जो मटेरियल था वो मूव हुआ फ्रॉम देयर ओरिजिनल लोकेशन से न्यू लोकेशन में बाय वन और मोर ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज ठीक है अब इसमें एग्जाम्पल है वाइज वाटर ग्लेशियर, विंड एंड ग्रेविटी किसी चीज़ के भी वजह से एंड डिपॉजिटेड टू फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेड सॉइल इसको बोलेंगे ट्रांसपोर्टेड सॉइल सॉइल इज इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ जीनीस कलर कंपोजिशन एंड लोकेशन द दॉइल ऑफ द इंडिया हैव बीन क्लासिफाइड एज एलोविया सॉइल है ब्लैक कॉटन सॉइल है सेकेंड थर्ड है रेड और येलो सॉइल फोर्थ है लेटराइट सॉइल a right soil and saline soil and then patchy soil now the summary of this particular session is that इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल एंड सिविल इंजीनियरिंग हमने पढ़ा कि क्या इंपॉर्टेंस है सॉइल का सिविल इंजीनियरिंग के लिए तो पहला है एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है लोकली अवेलेबल मटेरियल है एज़ अ फाउंडेशन मटेरियल के यूज़ किया जाता है देन हमने डेफिनेशन ऑफ सॉइल पढ़ा सॉइल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है और ट्रांसपोर्टेड सॉइल एंड सॉलिड सॉइल इन इंडिया हमने पढ़ा Now, the question asked in MSVT. First, important question: define soil but as per I IS. Second, explain the use of the soil as a foundation material. Explain the use of soil as a construction material. And list the name of the soil in India. Thank you.